दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिवराम कृपा ब्लॉग्स में। आप देख रहे हैं कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट सीरीज का 16वां एपिसोड और इस सीजन की वर्क अपडेट का 4th पार्ट। अब तक मैंने आपको 3 एपिसोड दिखाए जिनमें मैंने एक सीक्वेंस से मोती झील मेट्रो स्टेशन से झकरकटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो के काम की पूरी जानकारी दी थी और उसके साथ साथ इस रूट पर अन्य जगहों के बारे में भी मैंने आपको कुछ जानकारी दी थी। दोस्तों मेरी उन वीडियोस को देखकर आप अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक तक मेट्रो के काम की जानकारी को लेकर पूरी तरह से सेटिस्फाई हो सकते हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको उन वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा और सही जानकारी प्रोवाइड कर सकूं। तो यदि आपका कोई भी पिछला एपिसोड मिस हो गया है तो मैं उन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में व आई बटन में दे दूंगा। कृपया आप हमारे उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर आपको इस कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट सीरीज के साथ साथ कानपुर ट्रेवल सीरीज और तो और मैं कुछ ही हफ्तों में एक नई ट्रेवल सीरीज भी लाने वाला हूँ जो कि एक अदर सिटी पर होगी। तो यदि आप हमसे जुड़कर हमारे उन सभी वीडियोस को एंजॉय करना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आज का यह एपिसोड इस सीजन का आखिरी पार्ट होने वाला है तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तभी आप हमारे इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज आप कंटिन्यूटी मिस कर देंगे। हमने अपनी पिछली वर्क अपडेट की वीडियो इस फूड शॉप के बाहर खत्म की थी। हमने यहाँ पर पिछले वीडियो का लिया था इंटरवल और अपना कुछ देर का ब्रेक। तो चलिए अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब मैं आपको इस रूट का आखिरी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन और उसके आगे के जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं नौबस्ता तक वे सभी होंगे एलिवेटेड यानी जमीन से ऊपर। और इस समय मैं क्रॉस कर रहा हूँ जूही खलवा पुल और शायद ही कानपुर का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि इस ब्रिज के बारे में ना जानता हो जो कि बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहता है। चलिए इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि यह एक अलग टॉपिक हो जाएगा। देखिए अब हम ड्राइव करते हुए पहुंच चुके हैं इस चौराहे पर जिसके ठीक लेफ्ट साइड में हमें ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन देखने को मिलता है और आइए अब आपको इसे अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। दोस्तों क्या आपने एक चीज नोटिस की, जून मंथ की वीडियो में मैंने जब आपको यहाँ का वर्क अपडेट दिया था तब का सीन और आज का यह सीन आप देखिए, यहाँ तो बिल्कुल डायनेमिक्स ही बदल गए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ लेफ्ट और राइट साइड दोनों एरिया में बहुत ही कम स्पेस हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार बहुत ही छोटा सा डायवर्जन या मैं कहूँ बिल्कुल ना मात्र का डायवर्जन यहाँ दिया गया है जिसमें सिर्फ टू व्हीलर ही होकर गुजर सकते हैं। चलिए कुछ अंदर चलकर आपको इस मेट्रो स्टेशन का एक एरियल व्यू दे देते हैं। दोस्तों इस मेट्रो स्टेशन की वर्क अपडेट ये है कि यहाँ पर अभी डी वॉल लगाई जा रही हैं और डी वॉल क्या होती हैं उनकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में ये सब कुछ मैं आपको पहले ही अपनी मार्च मंथ की वर्क अपडेट की वीडियो में बता चुका हूँ। यदि आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी मार्च मंथ की वर्क अपडेट की वह वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो कुछ ऐसा सीन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। यह जो आप हमारे ठीक सामने स्पॉइल हुए घर देख रहे हैं इनकी इस कंडीशन का एकमात्र कारण है अवैध कब्जों का जिसके बारे में आपको अपनी जून मंथ की वर्क अपडेट के वीडियो में ही बता चुका हूं। दोस्तों ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में बन रहे इस मेट्रो स्टेशन के आसपास बने इन घरों को अवैध घोषित किया गया था जिन्हें स्पॉइल करने के बाद यहाँ से बहुत से लोगों ने पलायन किया और उसके बाद यहाँ पर इस मेट्रो स्टेशन का काम शुरू किया गया। तो कुछ ऐसी भी रुकावटें आती हैं कभी कभी इन प्रोजेक्ट्स में, लेकिन सोच कर लगता है आखिर उन लोगों का क्या हुआ होगा जो यहाँ से पलायन कर गए। चलिए इस बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा।
देखिए, मैंने आपसे बातों ही बातों में इस मेट्रो स्टेशन के राइट साइड का भी एक एरियल व्यू दे दिया। और ठीक इस जगह स्पेस दिया गया है कुछ ऑफिशियल वर्क का, यानी ऑफिसर्स के केबिन्स और क्वार्टर्स का। दोस्तों, मुझे लगता है कि इतनी वर्क अपडेट देना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। चलिए अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इस मेट्रो स्टेशन से मेट्रो का ट्रैक अंडरग्राउंड जमीन से निकलते हुए एलिवेटेड हो जाएगा, जैसा कि हमें मैक रॉबर्टगंज क्षेत्र में वह स्लोप देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसा ही सीन यहाँ से निकलते हुए ऊपर की ओर हमें कुछ समय बाद यहाँ देखने को मिलने वाला है। और उस एलिवेटेड ट्रैक का यहाँ से पहला मेट्रो स्टेशन होगा बारा देवी क्षेत्र में। आइए अब उस ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हम यहाँ से कुछ दूर आगे ही बढ़े थे कि हमें श्याम पैलेस सिनेमा के पास लेफ्ट और राइट साइड दोनों एरिया में मेट्रो के कुछ बैरिकेड्स देखने को मिले। और यहीं से ही शुरू हो जाता है आगे के एलिवेटेड ट्रैक का काम। और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर ठीक लेफ्ट साइड एरिया में भी मुझे मेट्रो का कुछ काम होते देखने को मिला। वैसे इस बारे में मैं श्योर नहीं था। यदि आपको इस एरिया के बारे में कुछ जानकारी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस पूरे रूट पर बारा देवी मेट्रो स्टेशन से नौबस्ता मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो का काम करने के लिए JMC प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड कंपनी को टेंडर दिया गया है। यह लगभग 5.5 किलोमीटर लंबा ट्रैक है और अभी शुरुआती हिस्से में, यानी बारा देवी से नौबस्ता की ओर बढ़ते समय यहाँ पर पाइलिंग से रिलेटेड काम किया जा रहा है। अब पाइलिंग क्या होता है? दोस्तों, पाइलिंग जमीन के अंदर खुदाई करके फाउंडेशन तैयार करने का प्रोसेस है। वैसे इसे आप एलिवेटेड ट्रैक बनाने का पहला स्टेप कह सकते हैं, जिसमें लोहे का जाल जमीन में डाला जाता है और कंक्रीट भर के उसे मजबूत फाउंडेशन में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद पिलर खड़े किए जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही काम यहाँ पर इस समय किया जा रहा है। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं कानपुर शहर के बारा देवी चौराहे तक, जिसके साउदर्न साइड एरिया में बारा देवी मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है। अब क्योंकि मैंने इस वीडियो को नवरात्रि टाइम शूट किया था, तो आप देखिए यहाँ पर लगने वाले मेले को ध्यान में रखते हुए यहाँ डाइवर्जन दिया गया है। चलिए अब यहाँ से कुछ ओवरव्यू देते हुए बाई वॉक ही आगे की ओर बढ़ते हैं। वैसे आपकी क्या राय है इस मेट्रो स्टेशन के बारे में? देखिए दोस्तों, एक साल में 2 नवरात्रि पड़ते हैं, 9-9 दिन यानी 18 दिनों के। और भी ऐसे बहुत से ओकेशंस हैं जिसमें कानपुर शहर की जनता के साथ साथ कुछ अन्य शहरों के भी लोग अपनी मान्यता के अनुसार यहाँ मुंडन कर्ण छेदन संस्कार करने आते हैं और भी कई धार्मिक अनुष्ठान करने भी यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं। और शाम के समय यहाँ की रौनक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हाँ, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि इस मेट्रो स्टेशन में भी हमें आने वाले समय में पैसेंजर्स का लोड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। वैसे आप में से ऐसा कौन है जिन्होंने यहाँ पर नवरात्रि के दिन आकर माता रानी के दर्शन किए थे? कृपया इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर जरूर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको अभी कुछ देर पहले पाइलिंग से रिलेटेड जानकारी दे रहा था, वही काम यहाँ पर किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और इन मेट्रो के वर्कर्स के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे के मेट्रो स्टेशन की ओर, जिसका नाम होगा किदवई नगर मेट्रो स्टेशन। दोस्तों, बारा देवी चौराहे से किदवई नगर मेट्रो स्टेशन तक की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है और मुझे उस मेट्रो स्टेशन की दूरी कुछ ज़्यादा लगी और उसकी लोकेशन को लेकर भी मुझे कुछ डाउट हुआ। वैसे अगर देखा जाए तो यह मेट्रो स्टेशन बनाना चाहिए था गौशाला चौराहे के आसपास, जहाँ से किदवई नगर मेन एरिया
और दीप्ति राय तक की कनेक्टिविटी आसानी से हो जाती, लेकिन हमें वह मेट्रो स्टेशन यहाँ से कुछ 100 मीटर दूर आगे देखने को मिलता है। दोस्तों, यह जो आप ब्लू कलर का फ्रेमवर्क देख रहे हैं, इन्हें आप शटरिंग कह सकते हैं, जो कि मेट्रो ट्रैक के बनने वाले पिलर्स के लिए यहाँ पर मंगाए गए हैं। कुछ ऐसा ही शेप होने वाला है उन पिलर्स का, ठीक वैसा ही जैसा कि आप प्रायोरिटी कॉरिडोर में देखते हैं। चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं किदवई नगर मेट्रो स्टेशन के पास। वैसे इस स्टेशन के नाम को लेकर मेरे बहुत से व्यूअर्स में डाउट था, लेकिन मैं आपको बता दूं, यह साकेत नगर, जूही कला और किदवई नगर से घिरा हुआ एरिया है, लेकिन इसका नाम रखा गया है किदवई नगर के नाम पर, क्योंकि इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वे सभी किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो शायद इसका एक कारण यह हो सकता है कि इसे किदवई नगर के नाम पर ही प्रायोरिटी दी गई हो, और शायद इसी कारण ही इसका नाम किदवई नगर मेट्रो स्टेशन पड़ा। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर काम की रफ्तार मुझे काफ़ी तेज़ देखने को मिली। हालांकि यहाँ पर पाइलिंग से ही रिलेटेड काम किया जा रहा है, लेकिन वह भी बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। देखिए आखिर कैसे ये मेट्रो के वर्कर्स लगातार मेहनत करते हुए मेट्रो के इस काम को पूरा कर रहे हैं। एक लाइक तो बनता है इनके लिए। चलिए अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, किदवई नगर मेट्रो स्टेशन के बाद जो अगला मेट्रो स्टेशन होगा उसका नाम होगा वसंत विहार मेट्रो स्टेशन, जो कि यहाँ से कानपुर शहर के बाईपास हाईवे को क्रॉस करके बनाया जाएगा। और इन दोनों मेट्रो स्टेशन के बीच की दूरी भी कुछ ज़्यादा रखी गई है, लगभग 1.5 किलोमीटर। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन दोनों मेट्रो स्टेशनों के बीच लगभग 1 किलोमीटर का एलिवेटेड ट्रैक ऐसा होगा जिसकी ऊंचाई हमारे इस कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट पर एलिवेटेड ट्रैक की ऊंचाई में सबसे ज़्यादा होने वाली है, लगभग 12 से 15 मीटर ऊंची, क्योंकि यहां पर बनने वाले ट्रैक के बीच में यह बाईपास हाईवे बैरियर बना हुआ है। तो अब इसका एकमात्र उपाय यह होगा कि इस ट्रैक की ऊँचाई बढ़ाई जाए, कुछ इस तरह जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। वैसे वो सीन क्या ही होगा, आप इमेजिन कीजिए जब आप इस बाईपास हाईवे के ऊपर ड्राइव करेंगे और उसी समय उसी के ऊपर से मेट्रो भी होकर गुजरेगी। वैसे वो भी क्या शानदार सीन होने वाला है, यह तो आने वाले समय में हम सभी को देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब हम बाईपास हाईवे क्रॉस करते हुए, या हम कहें नवस्था चौराहा क्रॉस करते हुए यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और हम कुछ 100 मीटर चले ही थे कि अब हम पहुँच चुके हैं वसंत विहार चौराहा की तरफ, जिसे हम दासुकुआ चौराहा भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, यह जो आप हमारे चारों ओर कुछ मार्किंग होते हुए देख रहे हैं, ये यह शो करता है कि यहाँ पर आसपास की इन रोड्स को एक्सपेंड किया जा रहा है, और यहीं पर ही हमें आने वाले समय में वसंत विहार मेट्रो स्टेशन बनते देखने को मिलेगा। वैसे सच बताऊं तो इस प्रोजेक्ट का इस रूट पर यह काम काफी चैलेंजिंग भरा होने वाला है, क्योंकि यह कानपुर शहर का सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाला रूट है। यहाँ पर पहले साइड रोड्स को एक्सपेंड किया जाएगा, उसके बाद बीच में बैरिकेड्स लगाए जाएंगे, जिससे कि यहाँ पर चलने वाले ट्रैफिक को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये ठीक वैसा ही सीन होगा जो कि हमें प्रायोरिटी कॉरिडोर के समय देखने को मिला था। चलिए अब हम यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे के मेट्रो स्टेशन की ओर। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो अब तक थोड़ी सी भी पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम यहाँ से कुछ दूर आगे ही बढ़े थे कि हमें बौद्ध नगर के इस क्षेत्र में यहाँ लेफ्ट और राइट साइड एरिया में कुछ मार्किंग देखने को मिली, जिसका मतलब है कि यहाँ पर कहीं आसपास बौद्ध नगर मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। वैसे जब आप यहाँ पर ड्राइव करेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि बौद्ध नगर क्षेत्र में कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर रोड्स के आसपास की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर स्पेस बहुत कम है। शायद इन जगहों पर मेट्रो का यह काम
कुछ चैलेंजिंग भरा हो सकेगा। चलिए फिलहाल अभी हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस समय शाम के 5:30 बज चुके हैं और मुझे मेट्रो के इन वीडियोस को शूट करते हुए लगभग 6:30 बीत चुके थे। मैंने सुबह 11 बजे आज के दिन की शुरुआत की थी। मैंने बड़ा चौराहा मेट्रो स्टेशन से इन वीडियोस को शूट करना स्टार्ट किया था, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वर्क अपडेट के वीडियो में बताया था। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इतना समय लग जाता है मेट्रो के इन वीडियोस को शूट करने में। मैं तो बस आपसे यही चाहूँगा कि आप मेरी इस मेहनत को सफल जरूर बनाएं इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। बस फ्रेंड्स मैं आपसे यही चाहता हूँ। और अब मैं पहुँच रहा हूँ पहले कॉरिडोर के आखिरी मेट्रो स्टेशन पर, जिसका नाम है नौबस्ता मेट्रो स्टेशन, जो कि बनाया जा रहा है कानपुर साउथ के सबसे बिजी रहने वाले चौराहों में से एक, जिसका नाम है बम्बा चौराहा। जैसे ही आप इस चौराहे को क्रॉस करेंगे तब यहाँ आपको लेफ्ट और राइट साइड दोनों एरिया में कुछ मार्किंग देखने को मिलेगी। इसका मतलब है यहीं पर ही नौबस्ता मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। दोस्तों मैंने इस जगह के बारे में इस सीरीज के 12वें एपिसोड में बहुत सी जानकारी दी है। अब क्योंकि मैं वह दोबारा रिपीट तो नहीं करूंगा, इसलिए मैं वह पार्ट अब स्किप कर रहा हूं। यदि आपने हमारी वह वीडियो नहीं देखी है तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी इस सीरीज का वह 12वां एपिसोड भी जरूर देखिएगा और उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व आई बटन में भी दे दूंगा। पहले तो सोचा कि इस वीडियो को यहीं पर ही फिनिश किया जाए, लेकिन मैंने इसके आगे का पार्ट भी एक्सप्लोर किया है, जैसा कि पिछली बार किया था। आइए आपको दिखा देते हैं। जैसे ही आप यहां से कुछ 100 मीटर आगे बढ़ेंगे तब यहां लेफ्ट साइड एरिया में आपको गायत्री हॉस्पिटल मोड़ के पास मेट्रो का कुछ काम होते देखने को मिलेगा। दोस्तों जुलाई मंथ में इस सीरीज के 12वें एपिसोड में जब मैंने इस जगह को एक्सप्लोर किया था तब मैंने यह गेस किया था कि शायद इस जगह मेट्रो का कास्टिंग यार्ड एरिया बनाया जा रहा है और मेरा वो गेस करना बिल्कुल सही निकला। यहाँ पर काम कर रहे मेट्रो के एक वर्कर से मैंने इस बारे में जानकारी ली। उन्होंने भी मुझे यही बताया कि यहाँ पर कास्टिंग यार्ड एरिया बनाया गया है। यदि आपने वह वीडियो देखा था तो आज की यह वीडियो देखकर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ के तो बिल्कुल डायनेमिक्स ही बदल चुके हैं। देखिए यहाँ पर 24 घंटे काम किया जाता है, वो भी कई अलग अलग शिफ्ट में। और यह सब देखकर लगता है कि इस आखिरी सेक्शन पर, जो कि बारह देवी से नौबस्ता तक एलिवेटेड ट्रैक होने वाला है, यह सब कुछ काम हमें बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। दोस्तों मुझे लगता है इतनी जानकारी देना मेरे मेट्रो के व्यूअर्स के लिए सफिशियंट रहेगा। दोस्तों ये था इस सीरीज़ का 16वां एपिसोड और इस सीज़न का 4था पार्ट। मैंने इस सीरीज़ को लगभग 1 महीने तक चलाया। मैंने अपने इन सभी वीडियोस में अपना 100% एफर्ट दिया है और बस मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप हमारे इन सभी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और अब मेट्रो की यह सीरीज़ कंटिन्यू होगी विंटर सीज़न में, क्योंकि अब नेक्स्ट वीक से मैं कानपुर ट्रेवल सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। और अब आपके लिए कानपुर शहर के कुछ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स और कुछ फेमस फूड शॉप्स के नए नए एपिसोड्स आपके लिए आने वाले हैं, तो हमारे उन एपिसोड्स को भी सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। बताइए फ्रेंड्स आपको हमारा आज का यह एपिसोड कैसा लगा। मुझे हमेशा की तरह आपके पॉजिटिव रेस्पॉन्स और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो भी पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बस इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए शिवराम कृपा व्लॉग्स।